हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी छठी क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल इनकम के वेरियस कॉन्सेप्ट्स को। मैं कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से। और नेशनल इनकम की पिछली क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था वह था, जो कि आपकी सामने जो स्लाइड है, जी एन पी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई इंटू पी वाई प्लस क्यू जेड इंटू पी जेड एंड प्लस डैश 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 क्यू एन इंटू पी एन। इसे मैं विस्तार से समझा चुकी हूँ। जो लोग नए जुड़े हैं वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर इस फॉर्मूले के द्वारा जी एन पी कैसे निकाली जा सकती है उसे आप समझ सकते हैं। तो अभी मैं इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ। यह फॉर्मूला उत्पाद विधि से निकाला गया है, प्रोडक्ट मेथड से निकाला गया है। जीएनपी का जो सर्वाधिक प्रचलित फॉर्मूला है वह उत्पाद विधि से प्रचलित नहीं है, बल्कि व्यय विधि से जो फॉर्मूला निकाला गया है जीएनपी का वह सबसे अधिक प्रचलित है। और इसको मेजरमेंट बाय एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीएनपी कहते हैं। जैसा कि आपको हमारे मेरे नोट्स में दिखाई दे रहा होगा, सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है जीएनपी, टांग में लगा हुआ है एमपी, एमपी यानी मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स माइनस एम। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह है, यानी कि यह भी इसी में जुड़ने वाला है। लेकिन यदि घटाव का कोई आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है x माइनस m में, x फॉर एक्सपोर्ट्स, m फॉर इंपोर्ट्स, जो कि अर्थव्यवस्था के आयातों निर्यातों के अंतर को बताता है, जो कई बार माइनस साइन में भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने 1200 करोड़ रुपए की सामग्री बाहर भेजी और 1500 करोड़ रुपए की सामग्री वहाँ से मंगाई, तो इस तरीके से 1200 करोड़ माइनस 1500 करोड़, हम माइनस 300 करोड़ घाटे में हमारा भुगतान संतुलन या हमारा व्यापार घाटा कहलाया जाएगा। तो वहाँ यह राशि यदि माइनस में आ जाती है तो फिर अंदर की राशि को सी प्लस आई प्लस जी करके, अंदर चूंकि माइनस साइन है उसको घटाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि ये संकेत आए कहाँ से हैं और इनका विस्तार से अर्थ क्या है। तो नीचे जैसा कि मैंने लिखा है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए अर्थव्यवस्था को क्रमशः चार क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। 1 2 3 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, जिसे परिवार क्षेत्र भी कहते हैं हिंदी में, वहाँ से उपभोग व्यय आता है। देश का हर नागरिक इसका हिस्सा होता है, हर नागरिक अपना कुछ न कुछ उपभोग पर व्यय करता ही है। अतः उस पूरे उपभोग व्यय को जोड़ने से हमें सी प्राप्त होता है। सी यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो कि ब्रैकेट में उपभोग व्यय के आगे लिखा हुआ है। तो सी हमें पहले क्षेत्र से प्राप्त होता है। नंबर 2 है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर यानी व्यवसाय क्षेत्र। व्यवसाय क्षेत्र वह होता है अर्थव्यवस्था का जो कि निजी क्षेत्र है, और वहाँ निवेश मांग के रूप में आई का सृजन होता है। आई यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक तरफ मांग भी है, दूसरी तरफ व्यय भी है। जब मांग विधि से निकालते हैं तो उसको मांग में मांग बोलते हैं, और यदि निवेश जब इस बिजनेस सेक्टर के द्वारा अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो वह एक्सपेंडिचर रूप में शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से बिजनेस सेक्टर से हमें आई प्राप्त होता है। आई का जो फुल फॉर्म है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह निजी निवेश व्यय होता है इस फॉर्मूले में, क्योंकि जी जो दिया हुआ है नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर जी, यह जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो सरकारी क्षेत्र का जितना भी व्यय होता है वह सारा जोड़ जी में आ जाता है। और इस तरीके से जो फोर्थ सेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, फॉरेन सेक्टर जैसे कि लिखा हुआ है हिंदी में, इसे शेष विश्व क्षेत्र कहते हैं या चौथा क्षेत्र भी कह देते हैं, जो कि किसी देश के अन्य देशों के साथ संबंधों को बताता है, जहाँ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स, एक्स माइनस एम जैसी गतिविधियों से जुड़े रहते हैं।
यहाँ से भेजे बाहर भेजे गए सामान को हम निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स कहते हैं और बाहर से मंगाए गए सामान को हम आयात यानी इंपोर्ट्स कहते हैं। तो जब आयातों और निर्यातों के अंतर को ले लिया जाता है तो वह व्यय जो है वो फॉरेन सेक्टर चौथे क्षेत्र का व्यय व्यय विधि के अंतर्गत आ जाता है। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला संपूर्ण हो जाता है GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था जिसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सात आठ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यदि मैं इस स्लाइड को नीचे करूं तो शायद आपको दिखाई दे, ये देखिए GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये इस तरीके से हम पहली अवधारणा को क्लियर कर चुके हैं। नंबर टू पे है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। नाम से स्पष्ट है साधन लागत FC यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो GNP निकाली जाती है उसे साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। जब हम GNP एट मार्केट प्राइस एक बार निकाल लेते हैं तो उसकी मदद से हम GNP एट फैक्टर कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला जैसे कि लिखा हुआ है GNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस IT प्लस सब्सिडी। अब ये दो चीज़ें आपके लिए नई है, IT क्या है और सब्सिडी क्या है। GNP मार्केट प्राइस आप समझते हैं, GNP एट फैक्टर कॉस्ट भी आप समझते हैं, साधन लागत, साधन किसको कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, श्रम भूमि पूंजी साहस, इनको अपने काम के बदले में जो भी पारिश्रमिक या मेहनताना मिलता है वह किसी कंपनी की दृष्टि से भुगतान होता है ना, लागत होती है ना, किसी भी प्रोडक्ट की लागत कहलाती है जब इनको जो भुगतान किया जाता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट में साधन लागत पर GNP बोलते हैं। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं IT। IT क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। आपने पढ़ा होगा पहले भी स्कूल में या फर्स्ट ईयर में भी कि टैक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो साधन लागत में सकल राशि उत्पाद निकालते समय हम GNP एट मार्केट प्राइस से IT को घटा देते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनकी राशि व्यक्ति को प्राप्त न होकर सरकार कर के द्वारा ग्रहण कर लेती है। तो ये व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, साधनों को प्राप्त नहीं होते, इसलिए इनको घटाना पड़ता है। जबकि सब्सिडी को जोड़ा जाता है, सब्सिडी होती है अनुदान। अनुदान को समझना बहुत ही आसान है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सरकार फला इंडस्ट्री को अनुदान देती है, जैसे कि हम कहते हैं कि सिलेंडर, सब्सिडी वाला सिलेंडर और बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। तो सब्सिडी वाला सिलेंडर कह रहे हैं, इट मीन्स हमें कुछ समझ आना चाहिए कि उस सिलेंडर में और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर में क्या फर्क है। तो इसी आधार पे हम सब्सिडी को समझ सकते हैं। तो सब्सिडी जो होती है वह राशि होती है जो कि साधन लागत का हिस्सा होती है परंतु बाजार कीमतों का हिस्सा नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर हमें 700 रुपये का प्राप्त हो रहा है, जबकि उस सिलेंडर की लागत 900 रुपये है, यानी प्रोड्यूस करने की लागत 900 रुपये है। तो वो जो 200 रुपये का अंतर है वह सरकार उस कंपनी को दे रही है जो सिलेंडर बना रही है। इस तरीके से उपभोक्ता को वो 700 रुपये में पड़ेगा लेकिन कंपनी को वो 900 रुपये में पड़ेगा। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उसमें लगे हुए हैं उन्हें जो पारिश्रमिक मिलेगा वह किस में से मिलेगा, उस 900 में से ही मिलेगा। अतः सब्सिडी में साधन लागत को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक की वजह से वह GNP एट फैक्टर कॉस्ट का हिस्सा होती है, इसलिए ये जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।